क्राउड भरा होगा स्टेडियम में, और पिछले मैच में अपने ओपनिंग मैच में अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स वो बहुत एक आई थिंक मुल्तान सुल्तान आई एम सॉरी वो एक रन से जो है बिल्कुल क्लोज आके विक्ट्री के वो रह गए थे, एंड देवर गोइंग वेल बट दे कुडंट क्वाइट कंप्लीट दैट चेज. और आज के मैच में उनके पास एक और मौका होगा टू रियली बाउंस बैक एंड यू नो एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ बैलेंस्ड साइड, स्पेशली यू नो अंडर इमाद वसीम. उनकी जो है इस साल की होप्स बहुत हाई होंगी कंसिडरिंग के लास्ट सीजन उनका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग गया था. तो बहुत कुछ हम लोग आज के शो में अनपैक करेंगे, डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स को लेके. सबसे पहले मैं दावा देना चाहूँगी हमारे पैनलिस्ट को, जो हमारा हंगामा खेज पैनल है इस शो का. मेरे साथ है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक. अस्सलाम वालेकुम. मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द बैटिंग लेजेंड मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम. और वीडियो से हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं द स्पीडस्टर द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी. वालेकुम सलाम. ये तीनों हंगामा खेज हमारे जो पैनलिस्ट हैं हमें इंसाइट्स देते रहते हैं मजे मजे की और एनालिसिस प्रोवाइड करते रहते हैं. लेकिन आज ना मैं शो शुरू करने से पहले बिफोर वी टॉक अबाउट पीएसएल, जाहिर है पूरा शो हम बात करेंगे बिल्डअप करेंगे जो आज का मैच है उसका, बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट कल एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वुमेन बीटिंग आयरलैंड वुमेन इन द T20 वर्ल्ड कप मैच. 70 रन से मलिक साहब हमने मैच जीता है और जो हाईलाइट थी उस मैच की वो थी मुनीबा अली की सेंचुरी. शी स्कोर्ड 100 एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20s. तो बड़ा जबरदस्त हमारे लिए यू नो एक मोमेंट ऑफ प्राइड है फॉर द होल कंट्री. बिल्कुल जी, मुनीबा को बहुत बहुत मुबारक. बहुत ही अच्छा खेली और किसी भी क्रिकेट में मेरा ख्याल है 100 करना वो आसान काम नहीं होता. तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को भी कोई वुमेन में ऐसी प्लेयर मिली है जो 100 रन कर सकती है. तो ये आगे जाके मेरा ख्याल पाकिस्तान को उससे बहुत फ़ायदा होएगा और बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान को कि आज का मैच जीती और मुनीबा को स्पेशली. मुनीबा ने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट पे 150 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने 100 किया और टीम को जो है बड़े अच्छे मार्जिन से जिताया है मैच. आज मैं आज एकेडमी में बैठा हुआ था, वहाँ बात हो रही थी तो पता चला कि इसने T20 में पहला 100 है पाकिस्तान की तरफ से और वनडे में भी इसका 100 है. और कल जब इधर हम प्रोग्राम कर रहे थे रात को तो मैच चल रहा था तो उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि चारों तरफ खेल रही थी. ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कवर की तरफ भी खेले ले क्योंकि T20 में मोस्टली ऑन की तरफ लोग खेल. ये शॉट्स देखें आप, मतलब जबरदस्त. कल मैं यूसुफ जब देख रहे थे यहाँ प्रोग्राम में वो बैटिंग कर रही थी और उन्होंने एक सीधा छक्का मारा था मिडॉन पे शायद, तो हम दोनों ने कहा था ये कौन है भाई. वो कोई और आयशा है पता नहीं, नहीं मगर जी वो शायद आयशा नसीम भी उस वो भी बहुत जबरदस्त मशहूर है. अच्छा सुना है मैंने एकेडमी में, कल आज बात हो रही थी सारी है तो वो लड़की और है लेकिन ये चारों तरफ खेली है. अच्छा मैं मैच सामने देख रहा था. वेल डन टू द पाकिस्तान वुमेन्स टीम, अपना दूसरा मैच खेली है और इसी के इस जीत के बाद जो है वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पे आ गई है अपने ग्रुप में. दैट्स अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम देम और आई होप कि ये जो विनिंग उनकी मोमेंटम है विनिंग मोमेंटम ये कंटिन्यू रहे और हम वर्ल्ड कप जीतने के करीब पहुंचे. बट नॉन द लेस अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम मुनीबा अली, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू मुनीबा. और अब बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज कराची किंग्स. पहले इस्लामाबाद के बारे में थोड़ी बात करते हैं. पिछला मैच पिछला सीजन जो है वो उनका काफ़ी अच्छा गुजरा था. नंबर 3 पे आई थिंक उन्होंने एंड किया था पॉइंट्स टेबल में, फोर्थ पे उन्होंने एंड किया था. प्लेऑफ्स तक नहीं वो पहुंच पाए थे बट शादाब खान की बड़ी तारीफें हुई थी. जी शादाब खान आपका बहुत की प्लेयर है और जिस तरह की परफॉर्मेंस देता है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं उसकी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी. फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही जिसको कहते हैं कि जान डाल देता है मैच में, इस तरह का प्लेयर है वो. आई थिंक के अफरीदी रजाक और अजहर महमूद के बाद अगर स्पिन ऑलराउंडर को आया पाकिस्तान में तो ये बेस्ट है जिस तरह की ये परफॉर्मेंसेस देता है. और इनकी टीम मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे समझ नहीं आती ये विन क्यों नहीं कर रहे आखिरी 2-3 सीजन में. इनके पास T20 का सारा मवाद है, बॉलिंग भी है बैटिंग भी है फील्डिंग भी है. लास्ट ईयर जो ये हारे हुए मैच देख रहा था कि 7 रन चाहिए थे और 7 ही बॉलें थी जी. तो मेरा ख्याल आसफ ने कोई उससे क्योंकि वो हिटिंग करता है तो इसलिए उसने हारिस रऊफ की आखिरी बॉल थी ओवर की तो उसको मेरा ख्याल है जैसे हम उस दिन कल कह रहे थे
कि कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगले ओवर में 7 रन आराम से बन जाने थे, इन्होंने पिछली बार भी पहुंच जाना था। होप इस बार ना करें, ये लोग देख के खेलें और जब अच्छा बॉलर हो तो उसको रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए। आसिफ आप क्या कहेंगे इस्लामाबाद की टीम के बारे में ओवरऑल? शादाब खान जो है वो एक अच्छे ऑलराउंडर के सूरत में जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो यंगस्टर है, टैलेंट भी है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, थोड़ा सा तेज आता है इन द एयर में, तेज आता है, थोड़ा टाइम कम देता है बैट्समैन को, और सबसे उसकी अच्छी बात है फील्डर बहुत अच्छा है, जो कि जो T20 वनडे में जो की प्लेयर होता है, फील्डिंग करनी होती है पॉइंट के ऊपर, तो वो इस एरिया को कवर करता है और बहुत अच्छी वो साथ में हिटिंग भी कर लेता है, तो इज अ रियली गुड ऑलराउंडर। और उसके साथ थोड़ा सा इस अभी स्टार्ट हुआ है PSL, तो उसमें थोड़ा सा अभी जो बाहर के प्लेयर्स हैं थोड़े से शॉर्ट हैं, आई डोंट नो वजह क्या बनी, फ्रेंचाइज को चाहिए था कि ऑन टाइम अपने प्लेयर्स को मंगवाते और अपनी टीम अपनी जो साइड है उसको कंप्लीट करते। तो अभी देखिए कि काफी प्लेयर्स थोड़े से कम आए हुए हैं जो के बाहर से आते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए थी कि ऑन टाइम पहुंचते और स्टार्टिंग अच्छा लेते, तो अभी थोड़े से प्लेयर आ रहे हैं कुछ जा रहा है, तो कार्ड थोड़ा सा कंप्लीट है, अनकंप्लीट लग रहा है, तो उसके पता नहीं आई डोंट नो वजह क्या बनी है। ये PCB को और अपनी फ्रेंचाइज को भी तो चाहिए था कि ये थिंक अबाउट करते और प्लेयर्स को ऑन टाइम लेके आते, तो ये थोड़ा सा एक लैक ऑफ समथिंग लैक हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं बात तो सही की है, कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिस तरह एलेक्स हेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं स्क्वाड का, अवेलेबिलिटी की कुछ इश्यूज होंगे, क्लैशेस आ रहे होंगे इंटरनेशनल कैलेंडर में, बट ये बात भी ठीक है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं ऐसे बड़े बड़े नामों के अराउंड, तो जब वो शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं होते, जिस तरह राशिद खान है एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कैलेंडर्स का, तो उसकी वजह से ओवरऑल टीम स्ट्रैटेजी पर भी फ़र्क बहुत पड़ता है। बिल्कुल, देखें राशिद अगर होते उस मैच में तो बड़ा फ़र्क पड़ता लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है और लेग स्पिनर हमेशा से मैं कहता हूँ कि बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, स्पेशली राशिद तो टाइम ही नहीं देता बैट्समैन को करने का। तो ये है कि ये वाकई आसिफ ने जो बात की है कि फ्रेंचाइजेस को चाहिए था कि देखें पिछली दफ़ा भी अगर आप देखें बहुत सारे प्लेयर बाद में आए थे, अभी तो मेरा ख्याल कोई सीज़न ऐसा चल भी नहीं रहा कि क्रिकेट हो रही हो जो लोग मिसिंग कर रहे हैं, जैसे इंग्लैंड का तो मेरा कोई सीरीज नहीं हो रही, इंग्लैंड की भी नहीं, अफगानिस्तान की भी नहीं, आई टेस्ट मैच शुरू हो गया उनका लेकिन वो साइड में है ही नहीं। तो ये ऐसे लोग जो आप साइन करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है आसिफ ने कि इनको शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये लेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टूर्नामेंट खराब होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर जब होते हैं बिल्कुल तो टीम पे बहुत फर्क पड़ता है। चले अभी शुरू हुआ है टूर्नामेंट, अभी आगे काफी मैचेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, शादाब खान के पास एज कैप्टन टू फिगर आउट हिज बेस्ट 11, हिज विनिंग 11, लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल देखें लाइकली जो 11 बनेगा आज, यूसुफ भाई इनके पास पावर हिटर्स काफी ज्यादा है, इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, आजम खान भी अब आते हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं, तो काफी पैक्ड है इनका बैटिंग ऑर्डर। इनकी मैं पहले ही आपसे कहा कि इनकी जैसी टीम है मैं हैरान हूँ ये जीते क्यों नहीं है, इनको तो आराम से जीतना चाहिए कि सारे तकरीबन बॉलिंग भी कर लेते हैं काफी लड़के, शादाब है, हसन है, फहीम है, और ये आजम विकेट कीपिंग भी करता है और साथ बैटिंग भी करता है, ऊपर से इनके पास पॉल स्टर्लिंग का नाम है, कॉलिन मुनरो और हसन अली है, फास्ट बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, वसीम जूनियर है इस टीम में, काफी अच्छी टीम है इनकी, बैलेंस टीम है, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। और शादाब की मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि वो इतना अच्छा क्यों चल रहा है, मुसलसल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है, बड़ी पर्पस बेस्ड वो अपनी प्रैक्टिस करता है, जो चाहिए वो कर रहा होता है, और प्रैक्टिस वो करता है जो मैच से ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए वो आगे से आगे जा रहा है, और जितनी आप मैच से ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ उसकी बहुत ज़बरदस्त है कि वो फील्डिंग में भी डबल जान मारता है, जैसे मलिक साहब हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे उसे भाई, फील्डिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, फील्डिंग में ऐसा क्या खास बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। क्यों आपको लगता है शादाब खान के पास ऐसा क्या स्पेशल गिफ्ट है कि जो बाकी हमारे टीम में फील्डर्स उस तरह की नहीं कर सकते? कुछ नेचुरल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ नेचुरल फील्डर भी होते हैं, कुछ मेरी तरह नेचुरल हल्के भी होते हैं, ये नेचुरल है और उसके ऊपर वो मेहनत करता है, ये डबल है, उसके ऊपर मेहनत तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा करते हैं। एक्चुअली देखिए जी, फील्डिंग जो है ना, मैंने कल भी कहा था, ये इंडिविजुअल का काम होता है, अगर आप देखें ना, अगर आप किसी चीज में वीक हैं
तो आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, नॉर्मल जैसे टीम आती है आप प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा टाइम उस पर लगाना पड़ता है अगर आपने इम्प्रूव। तो जैसे अभी यूसुफ ने कहा कि वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है शदाब अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, जो टीम ग्राउंड में खेलना होता है उससे एक्स्ट्रा वो कोशिश करता है, जैसे फास्ट बॉलिंग है वो एक्स्ट्रा तेज़ खेलने की कोशिश करता है ताकि उसको मैच में आसान लगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल बंदे को खुद फील्डिंग स्पेशली इम्प्रूव करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि फील्डिंग अच्छा हो तो बहुत, लेकिन पहले जो दो चीज़ें हैं वो जिस चीज़ पर आपने टीम में आना है, फील्डिंग में नहीं आप टीम में आ सकते, पहले आपको बॉलिंग या तो बहुत अच्छी होनी चाहिए या बैटिंग बहुत अच्छी, उसके साथ आपने फील्डिंग से, अक्सर कई प्लेयर हमने फील्डिंग पर डाल दिए हैं पास्ट में, वो गलत तरीका है। चले, प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आ गई है टीम्स की और एक अच्छा जो है वो बैलेंस्ड लग रही है दोनों टीम्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छी बैलेंस टीम नजर आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक हमने उनको देखा नहीं है इस सीजन की पीएसएल में, बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट शॉर्टली कि क्या कॉम्बिनेशन लेके वो ग्राउंड में उतरेंगे, खास तौर पर शादाब खान, यू नो ऑल आईज ऑन हिम, उनकी कप्तानी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। आसिफ, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कप्तान के कप्तान भी वो एक काफ़ी अच्छे उभर के सामने आए हैं, इतना प्रेशर लेके भी वो खेलते हैं, पूरी टीम का जाहिर है प्रेशर उन पर होता है, काफ़ी यंग एज में उन्होंने काफ़ी क्विकली अपने आप को इम्प्रूव किया है। जी बिल्कुल, दोनों का मुकाबला सेम जगह पे है, दोनों ऑलराउंडर है और पाकिस्तान टीम के लिए दोनों ने किसने किसने जगह बनानी है, और शदाब ऑलरेडी वहां पे स्टेज सेट कर चुका हुआ है और दूसरा बंदा स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, और इन साइड बिटवीन की प्रोफेशनल जेलसी होती है और दोनों की सेम जगह है, बिल्कुल दोनों ऑलराउंडर अपनी एक पाकिस्तान टीम के लिए स्ट्रगल करेंगे, बल्कि शदाब तो नहीं कर रहा, शदाब तो ऑलरेडी उसने T20 वनडे में है ही है, तो दूसरा कैप्टन जरूर स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरा के आजम खान इतनी अच्छी पावर हिटिंग करता है, मेरा ख्याल है मोइन भाई को चाहिए था कि उसको क्वेटा ग्लैडिएटर में ले लेते क्योंकि वहां पे वो ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं जो पहले मैच में नजर आया, तो मेरा ख्याल है कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर मोइन भाई ले लेते तो वो अच्छा उनके लिए ओपनिंग स्टैंड देता, मगर यहाँ पे उसके ठीक है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने बड़े अच्छे रन किए, पावर हिटिंग अच्छी करता है, और एक कराची के लिए दूसरा मैच है, थोड़ा सा पहला मैच लूज कर चुके हैं मगर उनका बॉलर इतना लो नहीं है क्योंकि वो 200 चेज करने जा रहे थे, ऑलमोस्ट कर चुके थे जी। तो उनकी बैटिंग लाइन में थोड़ी सी डेप्थ जरूर है कि वो एंड तक जाके रंजे कर सकते हैं, और इस्लामाबाद अगर पहले बैटिंग करती है तो उनको अच्छी स्टेज सेट करनी पड़ेगी, अच्छा टारगेट देना पड़ेगा ताकि कराची की बैटिंग लाइन के लिए आ सके, उनकी बैटिंग लाइन थोड़ी लंबी है, 6-7 नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन है और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन है, तो ये एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छा मुकाबला अभी कुछ ही देर में हमारे सामने आएगा। कप्तान की हम बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है, शादी के बाद उनका ये पहला मैच होगा, तो ये भी देखना होगा कि किस तरह क्या डिफरेंट होता है शादाब खान में, जो नए नए दूल्हे अभी बने हैं, यू नो व्हाट डिफरेंस विल दैट मेक, बिकॉज जाहिर है काफी पॉजिटिव इफेक्ट है। अब देखे पहले 6 माह तो वो खुश रहेगा, उससे ज्यादा खुशी तो रुहा को लग रही है कि ये ज्यादा खुश नजर आ रही है। नहीं, आई एम श्योर ये उनके लिए भी, हम सबके लिए खुशी की बात है, हमारे सामने जो है वो शादाब का सबके सामने डेब्यू हुआ था, इतने कम टाइम में अपने आप को इतना अच्छा स्टार उन्होंने बनाया, और अब माशाल्लाह जी उसको हमारा हीरो है और हीरो की बेटी से शादी हुई। बिल्कुल, दुनिया में ऐसा बॉलर आया नहीं है जिसकी बेटी से शादी हो उसकी, और ये हमारी बेटी है, हमारे बच्चों की तरह है, और बड़ी मुबारक हो दोनों दोनों खानदानों को भी, बहुत मुबारक हो, और ऑल आईज विल बी ऑन द स्किपर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल एज कराची किंग्स, क्योंकि लास्ट मैच में उनके भी कप्तान ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली, और अभी सामने हमारे आ जाएगा कुछ ही देर में कि क्या डिसीजन लिया जाएगा, टॉस जो है टॉस भी होने वाला है थोड़ी देर में, सो वी विल फाइंड आउट कि क्या किस डायरेक्शन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैच को, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने लास्ट मैच में देखा कराची किंग्स की तरफ से वही बात है कि जो आसिफ ने की कि एक अच्छा मुकाबला हो सकता है, यू नो दे केम वेरी क्लोज और बुरा नहीं खेले कराची किंग्स पिछले मैच में, लेकिन थोड़ी बस वो उनकी टाइमिंग की बैड लक हो गई, दे केम वेरी वेरी क्लोज, आज भी जो है वो देखना होगा कि कैसा खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी लेके वो मैदान करेंगे, क्या डिफरेंट करेंगे अपने प्लेइंग 11 के साथ, और इसी के ऊपर हम मजीद बात करेंगे, वी विल लुक एट कराची किंग्स डीपली एंड यू नो टॉक अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
जाहिर है अभी हम बिल्डअप पे बात कर रहे हैं, कराची में आज का मैच खेला जा रहा है, कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में भी बात करते हैं, टॉस प्रिडिक्शन और ये सारा जो चार्ट है इट्स वेरी हेल्पफुल। एक नज़र डाल लेते हैं इस पे, पीएसएल की जो विन परसेंटेजेस हैं अकॉर्डिंग टू हु हैज़ वन द टॉस। काफ़ी इंटरेस्टिंग, अब आजकल हमारे पास इतना डेटा आ गया है, इतने नंबर्स आ गए, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू मेक जजमेंट्स एंड प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। और अभी कुछ ही देर में टॉस का ऐलान हो जाएगा, बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक और आसिफ बहुत बड़ा ब्लो आया है पीएसएल के ऊपर। जाहिर है धानी जो है उनको इंजरी हो गई थी, वो भी रूल आउट हो गए पूरे टूर्नामेंट से, और आज हमें खबर मिली है कि मीर हमजा भी आउट हो गए हैं इंजरी के वजह से। तो ये तो बारी बारी लगता है बॉलर्स जो हैं वो इंजरी का शिकार होते जा रहे हैं इस सीजन। होती है, और हर फ्रेंचाइज में उसका बैकअप जरूर रखा होगा क्योंकि वहां पे पूरा कोचिंग स्टाफ है, पूरा मैनेजमेंट होती है। तो ऑब्वियसली आप देखें, मुल्तान के पास अगर धानी नहीं था कल तो उनकी बॉलिंग में कोई कमी नहीं आई, उन्होंने अगली टीम को फिर भी 111-110 पे आउट कर दिया था। तो उनके पास जो बैकअप था अब्बास लड़का आया, तो देखे उसने उसकी अपनी जगह बनाने की कोशिश की और वो खाना उसने पूर किया। तो हर फ्रेंचाइज के पास है कोई ना कोई बैकअप जरूर होता है, फास्ट बॉलिंग में हो चाहे स्पिनर्स में हो, उन्होंने बैकअप पे जरूर रखा होगा क्योंकि आरआरडी के पीएसएल का जो पीएसएल का जो बॉलिंग लेवल है ना, मच बेटर है बाकी लीग के मुताबिक। अगर आप देखें तो ओवरऑल नंबर्स देखें, थोड़ा सा यहाँ पे रनजे करना मुश्किल काम है, यहाँ पे बॉलिंग स्टैंडर्ड मच बेटर है पीएसएल का, बाकी लीग्स में भी दुनिया में हो रही है जितनी भी हो रही है उनसे सबसे अच्छा बॉलिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो पीएसएल का है। जी मलिक साहब, अग्री करेंगे आप इससे? आसिफ कह रहे हैं तो ऑब्वियसली चूंकि आसिफ बाहर खेलते रहे हैं बिल्कुल होएगा, मगर चूंकि कुछ देर से जैसे हम पिछली बात कर रहे थे कि प्लेयर्स आ नहीं रहे पूरे, तो लोकल प्लेयर्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाहर के बॉलर्स तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई इतने पाकिस्तान आए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर कम आए हैं अभी। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अपने बॉलर बहुत अच्छे हैं। यहां पे एक न्यूज़ हम ऐड करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव वन द टॉस एंड दे हैव चोजन टू फील्ड। तो एक और जो है वो आज हमें अच्छा चेज जो है वो मिलने देखने को मिलेगा। जी मलिक साहब कंटिन्यू करें, इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, वो तो आसिफ ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉस हमारे सामने आ गया है, एक अच्छा बैटिंग लाइनअप भी है, तो चेज भी जबरदस्त होगा। क्या लगता है इस विकेट पे यूसुफ भाई, कराची किंग्स के लिए क्या जो टारगेट है वो एक अच्छा डिफेंडेबल टारगेट रहेगा? देखिए विकेट का पता ही नहीं, विकेट क्या है इधर से तो पता नहीं चल सकता, लेकिन अगर सेम विकेट है जो लास्ट गेम होगी, मेरा ख्याल है ये भी कोशिश करेंगे टॉस करें, लेकिन इनकी बॉलिंग अच्छी है, यूनाइटेड की फील्डिंग भी अच्छी है, तो वो कोशिश करेंगे इनको कम स्कोरों पे आउट करें, और 200 रन अगर ये करते हैं तो उनमें कैपेबल हैं कि वो चेज भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि विकेट सेम है तो ये कोशिश जरूर करेंगे 200 या उससे प्लस करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें इनको जो इनके सीनियर प्लेयर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पीछे खेलने का फ़ायदा नहीं इतना जितना ऊपर खेलने का फ़ायदा है, क्योंकि 20 ओवर हैं, 20 ओवर में हम पाँचवें पर आएंगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर खेलना चाहिए। भाई साहब आप पिछले कराची के मैच में जो थे वो ये कह रहे थे कि मलिक जिस नंबर पर आया था वो ठीक था आपकी नज़र में जो है, और यूसुफ भाई ने थोड़ी उल्टी बात की है, वो ये कह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। आज के मैच में आपको लगता है कि वही बैटिंग ऑर्डर होगा या इमाद वसीम थोड़ा सा लीडरशिप शो करेंगे? नहीं देखें, ये जवाब देने से पहले जरा वर्ड सही यूज कर लें, उल्टी बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ी कॉन्ट्रास्ट, मेरा अपना वो है, उल्टी बात नहीं, आपने ये वर्ड सही करें, चले थोड़ी कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे थे, थोड़ी सी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। नहीं, जो यूसुफ ने बात की थी वो बिल्कुल ठीक बात की थी कि सीनियर को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, मगर आप पिछले कई सालों से देख लें, क्योंकि उसको मलिक को हम बहुत सालों से देख रहे हैं, तो पिछले कई सालों से देख लें मलिक कभी भी ऊपर नहीं आया, वो हमेशा टीम स्ट्रगल करे ना करे उसने अपना एक ही नंबर रखा हुआ है, ऐसे ही है ना यूसुफ? नहीं, हमारे होते हुए तो नहीं बनता था ऊपर आना, लेकिन ये तो बिल्कुल नई टीम है, बच्चे हैं इसमें, और बच्चों में आपको सीनियर को आगे आना पड़ता है। नहीं आना तो चाहिए, हाँ। मगर आप देखना कभी भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उसके आज के मैच में देखें, कल हम बड़ी तारीफ कर रहे थे कोयटा की बैटिंग की,
मगर कराची पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूव लग रही है, जिस तरह वो चेज़ करने लगी थी पिछले साल तो वो बिल्कुल ही स्ट्रगल करती रही। तो आज मेरे ख्याल में आज भी हमें बहुत पसंद है सबको इस्लामाबाद, मगर चूंकि उनका पहला मैच है, कराची खेल चुकी है, अपनी गलतियों का उनको बहुत सारी का पता भी होगा। तो मेरा ख्याल है कई दफ़ा होता है कि आप पहली मैच में आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे क्वेटा ने नहीं किया, तो शायद हमें इस्लामाबाद पसंद है, मगर मेरा ख्याल है चूंकि उनका पहला मैच है तो शायद थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़े। चलें आसिफ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, टॉस जीत के जो है फील्डिंग का फैसला किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने? रियली सरप्राइज के उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, मगर क्योंकि कराची का पिच जो होता है वो टोटली बैटिंग ट्रैक होता है, और आई थिंक उन्होंने देख के डिसीजन लिया होगा क्योंकि हम तो वहाँ पिच पे मौजूद नहीं है, तो अगर उन्होंने बॉलिंग का डिसीजन लिया कि उनके ऊपर उनको पता होगा कि अगर 180-190 अगर कराची किंग्स करती है तो हम चेजिंग की तरफ जा सकते हैं, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए ये डिसीजन लिया होगा। और दूसरी ये बात कि जो प्लेयर्स अभी तक नहीं आए ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और दोनों कप कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इसके ताने बाने कहीं उन चीजों से तो नहीं मिलते, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि क्योंकि बाहर के प्लेयर्स कम आ रहे हैं, तो इस बात पे ये भी एक लम्हा फिक्री है कि प्लेयर्स क्यों नहीं अभी तक पहुंचे, और इनको जब कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके मुताबिक क्यों नहीं आए। तो बाकी ये चीजें तो चलती रहेंगी क्योंकि पीएसएल चलता रहेगा, और इसमें किसी ने टॉस जीतना किसी ने हारना भी है, तो बाकी चीजें भी सोचनी होती है। इनकी बैटिंग लाइन भी बहुत ठीक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उन्होंने देख के डिसीजन लिया होगा कि हम इतने रन चेज कर सकते हैं, या उनकी बॉलिंग लेंथ इतनी होगी कि उन्होंने बोला होगा कि हम 140-150 पे इनको रिसीट कर सकते हैं, और अपना हम बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि हम इनको चेज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी इनकी बैटिंग की अगर हम बात करें, मैथ्यू वेड एक बहुत बड़ा नाम है इनके पास, ऊपर से शर्जील खान जो पिछले मैच में थोड़ा बहुत हम उनकी तरफ से वो नहीं देख पाए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आज यूसुफ भाई पावर प्ले कितना ज़रूरी होगा कराची किंग्स के लिए, क्योंकि ये जो ओपनिंग इनका पेयर है ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये पहले 6 ओवर तो बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम को डोमिनेट करने के लिए, पहले 6 ओवर में अच्छा खेलना पड़ेगा बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। अगर पहले 6 ओवर में शर्जील जिस तरह का प्लेयर है अगर वो खड़ा होता है और वो 6 ओवर खेलता है तो वो किसी भी टीम को जो है ना डिमोलिश कर सकता है। उसकी जिस तरह की रेंज है, जिस तरह का उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है, फुट मूवमेंट बड़ी अच्छी है उसकी। अब ये 18 kg वज़न कम करके आया है, अब इसका इसको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये पिछले मैच में तो खैर बॉल ही एक खेला था, लेकिन आज देखते हैं। वेट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक मिडल ऑर्डर में है क्योंकि वो अपनी टीम की तरफ से भी नीचे खेलता है। हाँ, उसके लिए ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि अगर विकेट टर्निंग है तो फिर तो आप उसको ओपनर भेज दें, अगर टर्निंग नहीं है फ्लैट विकेट है जैसा पिछले मैच में थी तो उसको पीछे खिलाएं, वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। चलिए, आज एक और मौका है कराची किंग्स के पास टू रियली पुट दैट बैटिंग लाइनअप टू टेस्ट, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कि बिल्कुल उस तरह से कन्विंसिंगली नहीं विक्ट्री के करीब आ पाए जितना वो होप करेंगे, स्पेशली विद द सीजन दे हैड लास्ट ईयर। अब एक और मौका है कराची किंग्स के पास। ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग देयर फर्स्ट गेम ऑफ दिस सीजन टुडे, अ लॉट टू थिंक फॉर देम, एंड यू नो ऑफ कोर्स आदाब खान कमिंग इन एज कैप्टन, तो उनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। टॉस जो है वो हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट, और कराची किंग्स के जो ओपनिंग बैटर्स होंगे इस वक्त साइड अप करके रेडी होने की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल लुक एट द हेड टू हेड स्टैट्स ऑफ बोथ दीज टीम्स, और कौन सी टीम जो है वो हिस्ट्री में भारी रही है दूसरी टीम पे। वापस आएंगे तो बात करेंगे। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com, हर पता हमें पता है। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, टॉस का जो डिसीजन है वो तो सामने आ गया है। इस्लामाबाद आर बॉलिंग फर्स्ट एज आसिफ सेड कि उनको अपनी जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ वाई दे आर कम्फर्टेबल चेजिंग। और आज के मैच में भी कराची किंग्स जो हैं वो हमें एक अच्छा टारगेट
उम्मीद है उनसे कि एक अच्छा टारगेट वो सेट करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या टारगेट जो है वो एक कंफर्टेबल रहेगा फॉर कराची किंग्स। मलिक साहब, व्हाट डू यू थिंक विल बी अ गुड टारगेट, या आज के मैच में अपनी टारगेट की प्रेडिक्शन हमें बताएं कितना होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे यूसर ने अभी कहा था कि विकेट पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर तो सेम विकेट पे हो रहा हो, कई दफ़ा होता है कि आप जब मैचेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं ना, अभी तो खैर अर्ली है स्टेज, तो वहाँ ब्रेक होना शुरू हो जाता है, विकेट्स टूटती हैं आपके स्पाइक्स लग के। मगर चूंकि अभी अर्ली सीजन है, तो मेरे ख्याल में इनको 180 प्लस करना चाहिए। अगर आप अगर उनकी बैटिंग को देखें इस्लामाबाद की, तो वो तो ऑन पेपर तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने सारे बैट्समैन खिलाए हैं। और मेरा ख्याल रीज़न भी यही है जी, उनकी सेकंड बैटिंग करने की रीज़न भी यही है कि इनको अगर हम 160-170 पे आउट करते हैं, तो ये उनकी बैटिंग नज़र जो आ रही है वो आराम से चेज कर जाएगी, अनलेस के बहुत बड़ा कोई ब्लंडर ना हो जाए, अदरवाइज बहुत बहुत बड़ी बैटिंग है। ये सो भाई, अगर कराची ने 180-190 अगर 200 तक भी जाता है स्कोर, तो ये तो यूनाइटेड की बैटिंग जो लगता है कंफर्टेबली कर ही लेगी जी। जिस तरह की बैटिंग साइड नजर आ रही है, ऑलराउंडर्स भी हैं, प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, स्टर्लिंग है, मुनरो है, ये वेंडर डूसन है, ये करन, ये टॉम करन दूसरा है, वो सैम करन है। इस टीम में मुझे रमन रईस को मैंने बैटिंग करते हुए नहीं देखा, बाकी सारे बैटिंग कर लेते हैं। हसन नवाज एक इमर्जिंग प्लेयर है, अभी मैंने उसे एकेडमी में देखा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैच में क्या होगा, असल तो मैच में आगे पता चलता है, क्योंकि हाइट है इसकी और इसकी रेंज अच्छी है, हिटिंग अच्छी करता है, सामने अच्छा मारता, मार्टिन गुप्टल की तरह नजर आ रहा था उसमें प्रैक्टिस में। अल्लाह करे कि ये जिस तरह उधर एकेडमी में खेल रहा था मेरे साथ वैसे ही खेल रहा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी हमें पाकिस्तान के लिए। चलें, आसिफ, आपके नज़दीक ये इस तरह का जब बैटिंग ऑर्डर आपके सामने हो, तो कराची किंग्स के बॉलर्स को क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, खास तौर पे इमाद वसीम, हाउ डू यू थिंक ही शुड बी यूजिंग हिज बॉलर्स टुडे? देखिए, इमाद वसीम जैसा कि वो नया बॉल से स्टार्ट लेता है, पिछले मैच में उसने नया बॉल नहीं किया, उसने दोनों लेफ्ट हैंडेड बॉलर यूज़ किए, हालांकि इमाद वसीम यूजफुल है सर्कल में बॉलिंग करने का, और वो करता भी रहा है। और आप देखें, जितने भी लीग हो रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी, जब भी उसने T20 खेला तो उसने नया बॉल खुद जरूर किया। एज ए कैप्टन आई डोंट नो कि उसने पिछले मैच में नए बॉल पे क्यों नहीं आया, ये भी को वजह हो सकती है। ऊपर से इस्लामाबाद की अगर बैटिंग लाइन आप देखें, तो उन्होंने 4 ओपनर्स खड़े कर दिए हुए हैं, अब पता नहीं किसको ओपन करवाते हैं, किसको वन डाउन करवाते हैं। तो उनकी अब बैटिंग लाइन में आप देखें, 7वें नंबर पर फहीम अशरफ आ रहा है, क्योंकि बैटिंग लाइन इतनी लंबी है कि वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, फिर हम चेजिंग की तरफ जाएंगे, और चेजिंग में उनके पास ओपनर बड़े अच्छे हैं, अगर वो चलते हैं तो डिपेंड करता है, क्योंकि वो आज पिच हमें ऑब्वियसली नया फ्रेश पिच होगा, और कराची का हमेशा से अच्छा, लास्ट मैच में भी अच्छा टोटल सेट किया था, जो भी टीम पहले बैटिंग करने आई है, तो अगर कराची पहले बैटिंग करके अच्छा टोटल सेट करती है, तो कराची के पास आमिर है, खुद इमाद वसीम है, उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी वैरायटी है कि वो अच्छे टोटल को डिफेंड कर सके। मैच बहुत अच्छा होगा, देखने को मिलेगा, होपफुली के जैसा कि पहला कराची में मैच हुआ ऐसा ही हो, ताकि आखिरी ओवर तक जाए, ताकि कराची की आवाज जिस तरह से आ रही है, स्टेडियम हॉल फुल है, तो मज़ेदार मैच होना चाहिए। अच्छा आसिफ, अगर आप होते कराची किंग्स की बॉलिंग में, आपके नज़दीक ऐसा कौन सा बैट्समैन है इस्लामाबाद की टीम में जिसको आप जरूर आउट करना चाहें, बिकॉज वही एक डेंजर मैन आपको नजर आ रहा है आज? उनके दोनों ओपनर देखे, मैनरो है, स्टर्लिंग है, फिर नीचे से आके आजिम खान अच्छी पॉजिटिव करता, आसिफ अली है, तो आपको थोड़ी सी क्लेवर बॉलिंग करनी पड़ेगी, वैरायटी यूज करनी पड़ेगी, स्लोअर वन, यॉर्कर जैसे डेप्थ बॉलिंग में आके शहनशाह अफरीदी ने और हारिस रऊफ ने यॉर्कर पे अच्छा वर्कआउट किया था और मैच जीता था, हालांकि मैच बहुत क्लोज चला गया था। तो ये चीज़ें अभी T20 में मॉडर्न क्रिकेट में ये चीज़ें वैरायटी आती, क्योंकि बैट्समैन अभी बहुत क्लेवर, उनके पास शॉट है, क्योंकि डर नहीं है, शॉट है, वो कभी फ्लिक कर देते हैं, कभी ऑफ स्टंप पे मार देते हैं, तो वो डर खत्म हुआ हुआ है। और बॉलर थोड़े से बैकफुट पे होते हैं T20 में, बॉलर को चाहिए कि प्रॉपर अटैकिंग क्रिकेट अगर बॉलर नहीं खेलेगा, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे कोई भी क्रिकेट हो रही हो, तो बॉलर फिर ऑटोमेटिकली अपने आप को बैकफुट पे लेके चला जाता है। बॉलर अटैकिंग क्रिकेट के लिए पहले ओवर्स में अटैक करे, ये
एज ए फास्ट बॉलर या स्पिनर के लिए अटैक करना बहुत जरूरी है, पहले ओवर्स में बैकफुट पे नहीं चाहिए। हाँ, बैकफुट में जरूर जाओ, मगर वो एंड के ओवर में होता है कि आप बैकफुट पे होते हो कि बॉल थोड़ा सा पुराना है, स्विंग नहीं हो रहा। नया बॉल अगर, मेरा ख्याल है जो भी करेगा नया बॉल, कोई भी करता है तो स्विंग जरूर होता है, तो हमेशा कोशिश करें कि बैट्समैन को रिसीव करे, नए बॉल से स्विंग करने की कोशिश करें। यूसुफ भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी एक अच्छा बैटिंग, हमें एक अच्छी बैटिंग इनिंग्स का हम वेट कर रहे हैं फ्रॉम कराची किंग्स। लास्ट मैच में बिल्कुल एक रन से जो है वो रह गए थे, बट आज क्या उम्मीदें हैं इनके बैटिंग से आपको? देखिए, आज जेम्स विंस नजर आया इनकी टीम में, वो एक अच्छा प्लेयर है और प्रॉपर बैट्समैन है और गैप्स में खेलता है, टाइम करता है बॉल को, ये एक अच्छी इंक्लूड है इनकी टीम में। और ये जो इरफान उल्ला नियाज़ी है, ये अंडर 19 से आया, पिछले साल मेरा ख्याल है ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया, ये बैट्समैन है और सुना फील्डर बहुत अच्छा है, ये फील्डर बहुत अच्छा है, ये फील्डिंग की तो ज़रूरत भी बहुत है कराची। हाँ, तो इनका ये फील्डर बहुत ज़बरदस्त है। बाकी जो इनकी टीम है, मूसा खान फास्ट बॉलर है, इमाद वसीम, ये सारे आप देख रहे हैं, शर्जील का चलना बहुत ज़रूरी है, और हैदर अली को मेरा ख्याल है कि इनको ओपन करानी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, क्योंकि वो जिस तरह खेलता है यार, आपको उसको पूरा चांस जो है ना ऊपर ही दे देना चाहिए। अभी पहला मैच कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह वो खेल रहा है कुछ डबल माइंड सा लगता है, अगर ये क्लियर माइंड खेलेगा तो ज्यादा फायदा होगा। हम सब वेट कर रहे हैं हैदर अली की, कई सालों से ये डबल माइंड खेल रहा है। बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं कि एक अच्छी इनिंग्स हमें देखने को मिले हैदर अली की तरफ से, कराची किंग्स की पूरे टीम की तरफ से एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छा टारगेट। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि 180 के करीब अगर ये कर लेते हैं तो इट वुड बी यू नो समथिंग दैट दे कुड बोल्ट वर्ड्स, और आई थिंक हम सब वेट कर रहे हैं कि जो टीम भी जीते एक मैच अच्छा हो। एज आई सेड, मैच नंबर 4 टुडे, ऑल आईज विल बी ऑन बोथ दीज टीम्स, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड, इतने उनके फैंस हैं और आज सारे जो हैं वो ग्लूड होंगे टू वॉच देयर टीम, स्पेशली यू नो लास्ट सीजन वो आगे नहीं आ पाए थे प्लेऑफ्स के बाद, तो आई थिंक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग मैच होने वाला है फॉर देम, फॉर शादाब खान एंड ऑफकोर्स फॉर कराची किंग्स इज वेल, having lost their opening game by a very very small margin. Gentlemen, thank you so much for joining me again, aur aap sab ka bhi bahut shukriya. Match mein kuch der reh gayi hai to match ki taraf badhte hain ab, aur hum aap se milenge match ke baad at 11, tab tak ke liye Allah Hafiz.